सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पुलिस डिपार्टमेंट का जब नाम आता है तो हम थोड़ा सा जो है वो रिजर्व हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट ने खेल के मैदान में सिंध पुलिस के एक हमारे हैं शहीद आफरीदी, उन्होंने एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन चैम्पियनशिप विन कर ली है और ये एजाज अपने नाम करवा लिया है और आज हमारे मेहमान भी हैं। कैसा लग रहा है वर्दा में बेल्ट अपने कंधे पे लगा के? जबरदस्त है ना, लेकिन अगर ये बेल्ट आपकी अपनी होती ज्यादा अच्छे लगते हैं। खैर है, अपनी नहीं, पाकिस्तान में बेल्ट बेल्ट होती है, चाहे अपनी हो या पराई हो, जब हाथ लगे फौरन से उठा के अपने कंधे या कमर पे बांध लीजिए। और अगर जहाज की बेल्ट है तो फौरन से कस लीजिए, क्योंकि जहाज अभी उड़ने वाला है जैसे मैं उड़ने वाला हूँ। लेकिन ये बेल्ट बड़ी भारी बेल्ट है, बड़ी अच्छी क्वालिटी की बेल्ट, मालूम पड़ रहा है कि भाई को बंदा मुकाबला जीत के आया। मैं नहीं जीत के आया हूँ, मेरे साथ बैठे हैं शहीद आफरीदी जो बॉक्सिंग की चैंपियनशिप जीत के आए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको आफरीदी साहब, और ये बड़ी खूबसूरत बेल्ट है, एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन चैंपियन। वाओ, वी आर सो प्राउड ऑफ यू जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस? लेकिन पुलिस से आप उठकर आए, ये बात बड़ी हो जाए ना हमारे लिए हैरत अंगेज है कि वहां पर तो हमेशा कहा जाता है सहूलियात का फुकदान और मुश्किलात से दो चार और पैसे कम हैं और तनख्वाहें बढ़ाई जाएं और जो पंजाब में सैलरियाँ मिलती हैं यहाँ नहीं मिलती हैं, आप फिर भी इन हालात में चैंपियन बन के निकले हैं, हाउ डज इट फील, कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल, चैंपियंस वाली फीलिंग्स हैं और दूसरे मुल्क में जाके उस अपोनेंट को जो उसी का मुल्क था उसको वहाँ पे शिकस्त दी, तो बहुत चैंपियंस वाली एक फीलिंग होती है। लेकिन सिंध पुलिस को इसका क्रेडिट जाता है कि ट्रेनिंग तो बॉक्सिंग की ट्रेनिंग मैं बचपन से कर रहा हूँ, 13-14 साल की मेरी मेहनत है, लेकिन सिंध पुलिस को इसलिए मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने मुझे हर जगह पे सपोर्ट किया। इससे पहले मेरी फ़ाइट थी नाइजीरिया से, वहाँ भी मुझे स्पॉन्सर सिंध पुलिस ने स्पॉन्सर किया, आईजी साहब जो थे हमारे मुश्ताक मेहर साहब। तो मैं साथ ही आपके रैपिड रिस्पांस फोर्स का जो आपके हैं सब उधर ही मैं सर्विस। आप प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं, बाउट्स वगैरह या रज़ाकाबाद में जो रिंग बनी हुई है ट्रेनिंग सेंटर? नहीं, मैं ट्रेनिंग पर्सनली करता हूँ अपने क्लब में। इंटरनेशनल मेरे बॉक्सिंग कोच है मेरे वालिद साहब खावरदीन आफरीदी, जो इंटरनेशनल बॉक्सर थे। ओके, तो यानी आप बचपन से अपने वालिद साहब को बॉक्सिंग करते हुए देखते आए हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने शुरू में तो जबरदस्ती बॉक्सिंग कराई। तो उनको क्यों नहीं लेकर आया, उनको भी लाना चाहिए था यार आफरीदी। किसी ने कहा नहीं तो मुझसे गलती हो गई है प्रोड्यूसर साहब, अगली बार इनके वालिद साहब को बुलाइएगा, वो भी पाकिस्तान का असासा है, हमारा टैलेंट है, वी लव टू प्रमोट हिम एज वेल। उनके बारे में बताइए, तो उन्होंने पूरी जिंदगी बॉक्सिंग को दी? जी बिल्कुल, उन्होंने पूरी लाइफ बॉक्सिंग को दी, बल्कि अभी तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट बॉक्सिंग करा रहे हैं और 50-60 लड़का वो तैयार कर रहे हैं। आप फिर इस तरफ पुलिस के शोबे में कैसे आए? बस थोड़ा सा फाइनेंशियली, घर भी तो चलाना होता है, किचन में राशन भी तो लाना होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही, बॉक्सिंग का शौक साथ रखा, बॉक्सिंग तो जरूरी थी, बस बॉक्सिंग यूनिफॉर्म एक शौक था, वरना इससे इसके अलावा और भी जॉब्स थी। मैं मीडिया साइंसेस भी मैंने किया हुआ एक राय यूनिवर्सिटी से। तो मैं जो आप ड्यूटी पे जाते हैं जी, तो आप बंदूक लेके जाते हैं या बेल्ट? नहीं नहीं, मैं ड्यूटी पे, तो वही आपको पता है सर, बंदूक की जरूरत तो नहीं पड़ती, जो आपसे मसला करता होगा फौरन से एक दो जैब क्रॉस रखते होंगे। नहीं नहीं, बंदूक अपरकट मारते होंगे ना, बंदूक की जरूरत है ना जैब की, बस अखलाक आपका अच्छा हो तो वहाँ पे। लेकिन एक बात बताइए कि स्पोर्ट्स बॉक्सिंग स्पेशली बड़ी मुश्किल से दो चार है आफरीदी साहब। एग्जैक्टली, एंड सपोर्ट नहीं है एथलीट के पास, स्पॉन्सर नहीं है, फंड नहीं है, सारा पैसा PSL 400-500 करोड़ ले जाएगा, बेचारे बॉक्सर मुश्किल से दो चार रहे हैं। लगता है कि आप PSL की तो आपकी नजर में व्हाट इज टू बी डन फॉर बॉक्सिंग, बॉक्सिंग के लिए क्या होना चाहिए? पहले आप मुझे बताएं, आप नमक छिड़कने जख्मों पे नहीं, आप बताएं। देखिए, आप टीवी पे आए, मैं चाहता हूं लोगों को मालूम तो पड़े कि आपके जख्म क्या हैं यार। आपको आपकी हम बेल्ट दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं आपके जख्म नहीं दिखाएंगे, जख्म भी दिखाएंगे, बताइए क्या मुश्किलात हैं? मुश्किलात यही है कि मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि ये टाइटल है, इसकी $4,000 सेक्शन फीस थी, इसकी $4,000। जी बिल्कुल, $4,000 इसकी सेक्शन फीस थी, फिर अकोमोडेशन आना जाना सब कुछ, तो ऑलमोस्ट ये तकरीबन $7,000 इसका खर्चा था मेरा। लेकिन वो सारा आईजी साहब महर साहब द ग्रेट, जी मुश्ताक साहब ने हमेशा स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया है पुलिस में, नो डाउट। उसके अलावा जो मेरी रमज़ान पूरा महीना मैं अलग अलग कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी, अब नाम उनके नहीं ले सकता, मैं जाता था रोज़े की हालत में, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक CEO का वेट कर रहा हूँ बाहर ऑफिस में, तो बस इंतज़ार होता रहता था। आगे से वो कहते थे, यार हमने फलाने को स्पॉन्सर कर दिया, हमने कराची किंग्स को कर दिया, इसको कर दिया, उसको कर दिया, आपको नहीं कर सकते। तो बस यानी जहाँ 100-100 करोड़ चाहिए थे वहाँ पैसे दे दिए, जहाँ 5-10 लाख रुपये चाहिए थे वहाँ बोला कि जी आपको नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, और
अल्लाह की शान है कि मैं जब फाइट जीता तो इतना फेम मिला, इतना सब कुछ के वो मुझसे खुद कांटेक्ट करें कि यार आप नेक्स्ट जब इसको डिफेंड करोगे हम आपको स्पॉन्सर करेंगे। तो हाँ सैड यार, दिल टूटता है मेरा भी जब खिलाड़ियों के साथ। तो वजह क्या है, तरह हमेशा हम बात करते हैं कि PSL को सपोर्ट किया जाता है, क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, इस तरह के और दूसरे खेलों को क्यों स्पॉन्सर नहीं करते, जबकि आप देखिए हम देखते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट भरा पड़ा हुआ है। किसी भी आप फील्ड को उठा के देख लें, पिछले कितने दिनों में हमने अपने कितने सारे टैलेंट को हमने उजागर किया है, दिखाया है, आप लोगों से मिलवाया है, तो वजह क्या है, क्यों स्पॉन्सर नहीं करते? मेरे ख्याल में बॉक्सिंग की नॉलेज नहीं है, सीधी बात ये है, क्योंकि आप बॉक्सिंग की नॉलेज अब आप किसी को भी वो कहोगे तो उसकी सबसे पहले वो बिजनेस माइंड से सोचते हैं, वो कहते हैं यार आप हमें इसका रिजल्ट क्या दोगे, हमें क्या बिजनेस इसका मिलेगा। तो मेरे ख्याल में बॉक्सिंग की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आप अभी रिसेंटली फाइट हुई है जॉर्ज कंबोसिस वर्सेस डेविन हैनी जी। जॉर्ज कंबोसिस को $470 million मिले एक फाइट के जी हाँ। तो आप हम लोग तो 470 मिल जाए, हम कह रहे हैं कि यार 4.7 मिल जाए तो बहुत है, 40 कुछ भी ना मिले सिर्फ इज्जत मिल जाए ना, वो भी बहुत है। और आप लेकिन जितने खर्चे हो रहे हैं वो तो खैर जरूरत होती है ना हर खिलाड़ी की, कुछ तो मिलना जरूरी है। लेकिन मैं देखिए क्रिकेट का दुश्मन नहीं हूँ, आई लव क्रिकेट, क्रिकेट अच्छा स्पोर्ट है, लेकिन सैडली क्रिकेट ने हमें फायदा कम दिया है, नुकसान ज्यादा पहुंचाया है। क्योंकि देखें शहीर आफरीदी जैसे खिलाड़ी मेरे साथ बैठे हुए, ऐसे हजारों हैं पाकिस्तान में टेनिस में, बैडमिंटन में, टेबल टेनिस में, बॉक्सिंग में, किक बॉक्सिंग में, MMA में, हर स्पोर्ट में पाकिस्तान में टैलेंट बेशुमार है, लाजवाब है। सैडली जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, वो कहते हैं हमने 100 करोड़ वहां दे दिया, 50 करोड़ वहां दे दिया, 90 करोड़ वहां दे दिया, तुम्हें 5 लाख रुपए नहीं दे सकते भाई, क्योंकि सब कुछ वो ले गए। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद होता है, जब मैं PSL का नाम लेता हूँ, जो 400-500 करोड़ रुपए वहां जाते हैं उसमें से 50 करोड़ रुपए निकालिए और दूसरे स्पोर्ट्समैन को, स्क्वॉश को, हॉकी को, सबको दीजिए। तलाब 50 करोड़ भी निकालने की जरूरत नहीं है, आप आधे कुछ चंद लाख निकाले तो भी काफी होगा। मेरे हर खिलाड़ी को 5-10 लाख चाहिए, आजकल बहुत महंगाई है, डॉलर बहुत आसमान हो रहा है, टिकट शिकट आपको मालूम है कितने का, दुबई का भी 1.5 लाख रुपए का हो रहा है। महंगाई की बात ना करें, तलाब आप फोन क्या रुला रहे हैं बताइए, कोई कोई डिमांड, कोई आप हुक्मरानों तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहेंगे, आपने ये इनाम जीता, इतनी इज्जत अफजाई हुई, लेकिन हुक्मरानों से मेरा कोई गिला नहीं है, उनसे बात नहीं करनी। बाकी अगर मल्टीनेशनल कंपनीज अगर कर सकती हैं तो मैं इसको डिफेंड करने लगा हूँ July 30 को। July 30 जी, इंडोनेशियन फाइटर है, उसने मुझे चैलेंज किया, तो इसको मैं डिफेंड करूंगा। तो जितनी कंपनीज हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अगर स्पॉन्सर कर सकती हैं तो इसको स्पॉन्सर करें। सही। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान, तो प्रोड्यूसर साहब चाहते हैं कि ये बेल्ट जो है स्क्रीन पे ज्यादा अच्छे तरीके से नजर आए। प्रोड्यूसर साहब देखिए अब ये बेल्ट, अच्छा अभी नहीं, अब आ रही होगी आपको। तो जी अब मैं आपको बताऊं, शहीर आफरीदी ने यहाँ एक डिमांड की है वर्दा, ये डिमांड अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं। शहीर का नेक्स्ट टाइटल जुलाई में है, डिफेंड करेंगे अपनी इस बेल्ट को और इनको स्पॉन्सर की जरूरत है। हम जानते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शहबाज शरीफ के साथ खड़े होकर बोलते हैं कि मैं ब्लाइंड चेक देने को तैयार, देने को तैयार हूं, मैं 1 अरब देने को तैयार हूं, मैं 2 अरब देने को तैयार हूं। 4-5 लाख रुपए यहां पर भी देते हैं, पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में लहराएगा, पाकिस्तानी टैलेंट ऊपर आएगा और यकीनन समवन हु हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ अर्लियर एज वेल, उसको दूसरा मौका देना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और हम आपके पैसे जाया होंगे, आपके पैसे कामयाबी होंगे और दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन ही होगा। इसलिए प्लीज आगे बढ़िए मुखैर हजरात और शहीर आफरीदी जैसे स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल, इसमें मैं एक कंपनी है जिनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा, GFS बिल्डर्स के जो है जी, इरफान भाई बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसा है उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया नेक्स्ट इवेंट के लिए भी। तो अब एक पे हम रिलाई नहीं कर सकते, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अभी जॉर्ज कंबोसिस जो था उसने पूरी लिस्ट दी थी, प्लेटिनियम अलग, गोल्ड अलग, सिल्वर अलग। तो एक तरह से बॉक्सिंग की नॉलेज भी यहाँ ज़रूरी है, प्रोमोटर्स होते हैं। हमारा भी जुलाई तक मेरा 8 वीक्स प्रोग्राम होगा, July 30 तक मेरा 8 वीक्स ट्रेनिंग कैंप होगा, उसमें न्यूट्रिशन अलग होती है, डाइट अलग होती है, फीस कैंप की अलग होती है जी बिल्कुल। उसमें फिर इंटरनेशनल जो बॉक्सर हम बुलाते हैं स्पैरिंग के लिए वो अलग होते हैं, वो कुछ भी नहीं होता फिर, वो एक हम वो कहते हैं ना कि बस सही चैलेंज जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू शहीर आफरीदी, लेकिन आपके सेगमेंट के एंड में मैं बताऊं बॉक्सिंग कितना मुश्किल स्पोर्ट है। मेरा एक दोस्त था, यूनिफॉर्म में था, वर्दी एहलकार था और वो रोज 50 किलोमीटर भागता था वर्दा, और मैंने उसे पूछा कि यार बॉक्सिंग के बारे में बताओ, तो मुझे उसने कहा तला कि मैं 50 किलोमीटर भागता हूँ तो मैं इतना नहीं थकता हूँ, जितना मैं 5 मिनट शेडो बॉक्सिंग अगर करूँ तो मैं हांकना शुरू हो जाता हूँ। तो बॉक्सिंग, कॉम्बैट स्पोर्ट्स, किक बॉक्सिंग, MMA, इसके अंदर बड़ी स्किल चाहिए, बड़ी मेहनत चाहिए। शहीर आफरीदी ने मेहनत की है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ऑल द कॉर्पोरेट्स और मुखिया आजाद जो हमें सुन रहे हैं, शहीर की जरूर सपोर्ट करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।